हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए थे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए ध्यान से सुनिएगा। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स लगाना चाह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। भाई एक लड़की है यहाँ पे ठेकेदार, एक फीमेल है ठेकेदार, यहाँ पर कह रही है कि भाई 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए तो मैं 1.5 मीटर हाइट के टॉप पर रखना चाहती हूँ, मतलब इतनी हाइट से स्लाइड बनाना चाहती हूँ। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और भैया उसका एंगल कितना लेना चाह रही है ये मैडम, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अगेन ग्राउंड के साथ का क्वेश्चन आ गया, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े वाले बच्चों के लिए भाई कितनी हाइट पर बनाना चाहते हैं, 3 मीटर की, और एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड के साथ कितना एंगल, 60 डिग्री। तो दोनों की लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है इन ईच केस, मतलब दोनों केस में आप लोगों को लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, तो चलो बनाते हैं इसका फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने ले लिया भाई, ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। 5 साल से कम बच्चों के लिए तो हाइट 1.5 मीटर पर लगाना चाह रही थी वो आपका स्लाइड की जो टॉप की हाइट होनी चाहिए। और जो एंगल ग्राउंड के साथ कितना बनाएगा भाई, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है बच्चे ये, 30 डिग्री हमारे ग्राउंड के साथ। अब बड़े बच्चों के लिए कितनी हाइट पर, 3 मीटर। इसी को थोड़ा डबल कर लो यार, इसी को थोड़ा और बढ़ा लो। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन, ये टोटल हाइट जो है वो है आपकी कितनी, 3 मीटर। और यहां से जो यहां तक हाइट है वो है आपकी 1.5 मीटर। ओके, तो ये हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे भाई, आसान है। क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब हाइपोटेनियस निकालना है, ये निकालना है भाई, ये डीसी और एसी। और है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस निकालना है तो किसको अप्लाई करना पड़ेगा, साइन थीटा को। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, साइन थीटा को। पहले ये सब लिख लो यार, पहले ये सब लिख लो। फॉर एज ऑफ ब्लो 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चों के लिए हाइट ऑफ स्लाइड जो है वो कितनी है भाई, जो डीबी है वो कितना है आपका, 1.5 मीटर। और जो एंगल डीसीबी है वो है आपका भाई कितना, 30 डिग्री। ओके, फॉर एल्डर चिल्ड्रन बड़े बच्चों के लिए जो हाइट ऑफ स्टीप मतलब टॉप ऑफ स्लाइड है जो, वो कितनी है भाई, हाइट को हमने क्या लिया है, ए बी, जो बराबर है 3 मीटर के। और जो एंगल ए सी बी है वो है आपका 60 डिग्री। तो आपको दोनों केस में माय फ्रेंड्स, दोनों केस में आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी थी। तो करना क्या है यार, पूरे की पूरे चैप्टर में बस ट्रायंगल को ही तो पकड़ना है। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं इस चैप्टर में, इस फिगर में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई, 2 ट्रायंगल। तो यार दोनों को ले लो एक एक करके। सबसे पहले मैंने लिया इन ट्रायंगल डीसीबी। डीसीबी में साइन 30 डिग्री मतलब साइन एंगल डीसीबी इक्वल टू, इसको मैं डीबीसी लिख देता हूं, 90 वाले के रिस्पेक्ट में लिखता हूं, ठीक है। डीबीसी एंगल मैंने डीसीबी लिया, जो मैं ले रहा हूं यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब डीबी अपॉन डीसी, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री, डीबी है भाई हमारा 1.5 और डीसी हमें निकालना है। साइन 30 क्या बताया आप लोगों को,
1 upon 2, 1.5 upon DC क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 into 2 मतलब ये हो गया 3 meter। तो छोटे बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड यहां पर लिख देता हूं, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एज बिलो 5 years तो कितनी आ गई 3 meter भाई। तो हमारी टोटल लेंथ यहां पर कितनी मिल रही है 3 meter। अब बड़े बच्चों के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो साइन 30 degree, ए बी है हमारा 3, ए सी हमें यहां पर निकालना है। साइन सॉरी यहां पर तो 30 नहीं है भाई, यहां तो 60 है, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो भाई ए सी 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 2 = 6, पहले ऐसे लिख दूं, चलो भाई ऐसे लिख दो, तो ए सी 6/√3, रिसाइजेशन कर दे, नीचे रूट तो हमें छोड़ना है ही नहीं, लो भाई लो, यहां पर भी √3 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी √3 से किया, तो ये आ गया 6√3/3, तो 3 × 2 = 6, तो भाई ये हो गया 2√3, कितना आ गया भाई ये आपका 2√3 meter। ओके, तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर, भाई देखो रूट की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है ना, रूट की वैल्यू इन्होंने अगर नहीं दी है तो आप लोगों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन 2√3 meter। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई देखिए, मैं अपना डस्टर ले लेता हूं, देखिए आप इसे, चलिए भाई देख लिया, ओके हटा दें इसको आप, चलो भाई चलो, ये मैंने यहां से इसको रिमूव किया, कर क्या रहे हैं, बस ट्रायंगल ही तो ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं और एक साइन कॉस लगा दे रहे हैं जो हमारा मतलब वहां पर सूटेबल बैठ रहा है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है भाई, एक टावर है, मान लो ये रहा एक टावर और ये रहा हमारा ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 meter अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब ये जो पॉइंट है भाई वो 30 meter फुट ऑफ द टावर से दूर है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 degree है, ये आपका यहां पर 30 degree है, तो आपको निकालना क्या है सर, हाइट ऑफ द टावर, भैया हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 meter अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 degree, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है सर, ठीक है, लेट किया हमने, हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, हमने क्या मान लिया भाई इसको, एच मीटर, क्या लगाएं यार, अब तो तुम बता दो, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, क्या लगाऊं भाई, क्या लगाऊं, टेन थीटा लगाऊं सर, क्या लगाऊं, टेन थीटा, लिख दूं पहले इसको, ए सी भी यहां पर 30 degree है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन एंगल ए सी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई टेन 30 degree परपेंडिकुलर है, एच बेस है 30, तो टेन 30 होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में भाई, ये आ गया आपका √3 कहां पर, डिवाइड में, पर क्या ऐसे छोड़े जी, नहीं रेसलाइज करो यार, इसको रेसलाइज करो, तो भाई 30/√3 √3/√3, तो ये तो हो गया 30√3 और √3 कितना होता है 3, तो लो यार लो, ये तो कट गया, आ गया 10√3 meter, तो सर हाइट ऑफ टावर हमारी हो गई
टेन रूट थ्री मीटर। तो भाई ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, जय माता दी।